अभी तो गिबत की बात है ना, अब वही बात जो आपके जिससे आपकी निस्बत है, जो आपके बच्चों के अबू हैं, वही बात जो उसमें है, वही बात आप किसी और से बयान कर रही हैं, उसको वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि तेरी जबान लटक क्यों ना गई, कहते नहीं वो मजम्मत करते हैं कि तेरी जबान लटक क्यों ना गई, कि ये बात तेरी जबान से निकली कैसे अपने शोहर के बारे में, जबान बंद हो जाती। इसी तरह बास बेबाक मर्द होते हैं जो अपने बच्चों की अम्मी जिनसे उनकी निस्बत होती है उनकी बातें बयान करते हैं, और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह अगर तलाक हो जाए और अगर मंगनी टूट जाए, यानी ये मंगनी टूट जाए तलाक हो जाए ऐसी चीज अगर हो जाए तो फिर तो जो शैतान फरीकेन को कान पकड़कर रिंग में लाता और वो नाच नचाता है, अलमान वाल हफीज, गीबतों तोहमतों इल्जाम तराशियों ऐब दरियों दिल आजारियों बदगुमानियों और बदकलामियों का एक तूफान खड़ा हो जाता है, हर खूबी भी ऐब बनकर रह जाती है, हर फरीक अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए दूसरे से बढ़ चढ़ कर झूठ बोलता है, बरसों से घर चल रहा होता है मगर जब दो खानदानों में जंग अजीब छिड़ती है तो फरीक के मुकाबिल को माज अल्लाह बद अकीदा तक कह दिया जाता है। मैं आपको चंद मिसालें पेश करता हूं बड़ी तवज्जो के साथ, इस्लामी बहने या मौज इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन अब बड़ी ही तवज्जो के साथ इन मिसालों को सुनिए और अब अपने जहन में सोचिए कि मैं क्या क्या करता रहा हूं। मैं सबसे पहले लड़की वालों की तरफ से लड़के और सुसर के बारे में जो गिबत होती है वो बयान करने जा रहा हूं। जब ये मंगनी टूट गई या तलाक हो गई अब क्या आती है लड़की वालों की तरफ से, शराबी था शराबी, आवारा था आवारा, 420 था, कमाता नहीं था, घर का खर्च नहीं देता था, सब मां के हाथ में दे देता था, उसने कभी घर को घर नहीं समझा, सास रोटी नहीं देती थी इसलिए लड़की पल्ले से खाती थी, बहुत बहुत जालिम लोगों से पाला पड़ा था, हा हा फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। लड़के वालों की तरफ से जो कीमत होती है वो भी हम सुनिए, ये तो लड़की वालों की थी ना, अब लड़के वाला भी किसी से कम तो नहीं होता, वो भी आसी ने चढ़ाकर आता मैदान के अंदर, तो शैतान तो दोनों को कान पकड़ कर रिंग में लाया है ना, और वो आया लड़की की चाल चलन सही नहीं थी, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह अल्लाह, ये ज़बान ये जुमला कहने से पहले आदमी सोचते कि एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाने का इल्जाम और जुर्म किस कदर भयानक है, ये कितना भयानक जुर्म है, उसकी सजा कैसी है। अलबत्ता मैं गिबत की बातें बयान कर रहा हूं, लड़की का चाल चलन सही नहीं था, बहुत सारे आशना बना रखे थे, घर में जबान बहुत चलाती थी, इसकी मां ने खाना पकाना भी नहीं सिखाया था, बर्तन भी मांझने नहीं आते थे, कपड़े भी बराबर नहीं धो सकती थी, बहुत झगड़ालू थी, चोरियां करती थी, ताबीज गंदे करवाती थी, जादूगरनी थी जादूगरनी, चुड़ैल थी चुड़ैल, हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था उसने, इसकी मां घर आकर हमको कोसने दिया करती थी, हमको इसने बदनाम कर दिया वगैरह वगैरह। अब ये सारी बातें कब आई, जब तलाक हो गई, जब मंगनी टूट गई, इससे पहले चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा आए लड़का है, चराग लेकर ढूंढोगे ना मिलेगा, अब चराग का दौर ही कहा है कि चराग लेकर ढूंढोगे भाई, चराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिलता, उस वक्त वो चांद का टुकड़ा था तो वो जिगर का टुकड़ा था तो वो दिल था तो वो फेफड़ा था, ये सारी बातें गुजर गई, सास ओहो मां बन के रखे उसने मेरी बेटी को, तो दामाद दामाद तो ऐसा है जैसे कि बिल्कुल बेटा बनकर रहा हुआ है, और दामाद भी ठीक बिल्कुल ऐसे मेरे सास ससुर जैसे मां बाप है, सारी बातें उस वक्त थी, सारी खूबियां थी, खाना भी लजीज बनता था उस वक्त घर में, नहीं नहीं मेरी मां को तो हिलने भी नहीं देती, ओ सास भी कहे कि अभी तो मानती नहीं हूं कि चाय आ जाती है, इशारा इशारे पर बहुत काम कर रही होती है, ऐसी मिली है बस, ना जाने मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आ गई जो ऐसी बहू मुझे मिल गई है, और सास ससुर कहते ना जाने हमारे कौन सी ऐसी नेकी काम आ गई, ऐसा दामाद मिल गया, हमारी बेटी को परियों की तरह रखा, परियों की तरह,
ये सारी परियां, ये सारी मोहब्बतें, सारी अकीदतें, सारा अदब, सारा इत्राम, सारी अकीदत, सारी मोहब्बत, सारी ये खुलूस किधर गया? जब मंगनी टूटी तलाक हो गई। अब चूंकि खुद को तो बुरा कहना नहीं है कि मेरी वजह से मंगनी टूटी, मेरी वजह से तलाक हुई है, मैं ही बुरा था, मैं ही घर में इस तरह की नहुसते और बर्बादियां फैलाया करता था, ये सारी बातें मैं अपने तरफ कैसे मनसूख कर दूं। अब जाहिर है कि खाई ना खाई, इल्जाम की सूरत में, तोहमत की सूरत में, खिबत की सूरत में, चुगली की सूरत में, बोहतान की सूरत में, किसी सूरत में लड़की वालों का सबसे बड़ा इस वक्त कारनामा और सबसे बड़ा काम यह है कि किसी सूरत में माशरे में लड़के वालों की ऐसी रुसवाई हो जाए कि कल को मंगनी के लिए निकले या दूसरी शादी के लिए निकले, इनकी मंगनी ना हो, इसकी शादी ना हो, बल्कि बाद कसमें खाते हैं, हम कसम खाकर कहते हैं करके दिखा दो दूसरी शादी, तुम्हारे कपड़े उतार के रख देंगे। अरे भाई क्या हो गया है, ये सारी चीजें होती है। अब आइए दूसरी तरफ, मेरी मैं समझता हूं कि कई इस्लामी बहनों के जहनों में, कई मदीचे के नाजरीन में ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ये हम कर क्या रहे थे आज तक, क्या किया हमने। अब सोचे से कि इतनी बुराइयां, इतनी गीबतें, इतनी इल्जाम तराशियां में कर गया, मेरा मनेगा क्या? ऐसी जबान मेरी चली थी, उस वक्त क्या हो गया था मुझे, ऐसा बेबाक हो गया था मैं, ये सारे मेरे नामा यामा में लिख लिया गया होगा गीबत, ये सारी बातें साठ साठ सत्तर सत्तर साल हो गए, आज से कोई नहीं बचता बातों का। सही कह रहा हूं, आप तजर्बा कर लीजिए, बल्कि अल्लाह ताला इस तजर्बे से हमें महफूज फरमाए, आपको तजर्बात होंगे, बिलखुसूस घर के बड़े बुरे भी इससे नहीं बच पाते। अब बच्चों को तो कहने की इतनी हिम्मत ही नहीं होती, बच्चा आकर पूछे अम्मी क्या हो गया, भाई की मंगनी क्यों टूट गई, अब अम्मी को देखो, अम्मी जो खुलती है। बहन पूछे भाई क्या हुआ, क्यों तलाक हो गई, अब भाई और बहन दोनों मिलकर जो उस मुतल्लका को जो धोएंगे, वहां उसके घर पर, वहां उसके घर पर क्या तमाशा है, जरा सोचो सी क्या तमाशा। अरे भाई नहीं बनी, टूट गया, खत्म करें, चुप हो जाएं, कुफले मदीना लगा लें, खामोश हो जाएं, कौन सा अजीम काम हो गया तलाक, कोई ऐसा को अहम वो कोई पसंदीदा काम तो है नहीं, और कोई अच्छी सूरतों में तो तलाक होती नहीं है, ऐसा तो है नहीं, बहुत मोहब्बत थी मियां बीवी के अंदर, एक दूसरे के बगैर चाय नहीं पी सकते थे, खाना नहीं खाते थे, आज मोहब्बत उरूज पर थी और आज वाजी बहुत मोहब्बत आ रही है, चलो आज हम एक दूसरे को तलाक देते हैं, शोर ने कह दिया तुझे ये तलाक, जब बीवी कहते जना मैं रुजू ले लेती हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वो खुला ले लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा तो यकीनन नहीं होता, घर में मोहब्बत हो, प्यार हो, इत्तफाक हो, ये सारी चीजें वहां थोड़ी होती, ये होती वहां है, क्या पहले से ही ना इत्तफाकी और ज़हनी हमआहंगी का फुकदान हो, लेकिन इस ज़हनी हमआहंगी का फुकदान होने के बावजूद एक बुजुर्ग की मैंने हिकायत बयान की ना, कितनी प्यारी बात कर दी उस सवाल करने वाले से कि मैं इतना कम जात नहीं हूं कि अपनी घर की बात बाहर करूं, हमें क्या हो गया है? मेरे बड़े बुरे को क्या हो गया, घर के सरबराहों को क्या हो गया, अगर यही अंदाज हमारा तो हम अपने बच्चों की तरबियत क्या करेंगे, क्या अपने बच्चों को गीबतें घोल घोल कर पिलाएंगे, तोहमतें बोहतान इल्जाम तरह जो घोल घोल करें ताकि ये कल बड़े हों और अल्लाह ना करे इनके साथ ऐसे वाकई हो तो ये हमारी तकलीद करें, हमारे पीछे चले, अलमान वाल हफीज, अलमान वाल हफीज, अपने पीछे तो नीकियां छोड़कर जाना चाहिए, सवाब छोड़कर जाना चाहिए, सवाब जारिया छोड़कर जाना चाहिए, ये क्या तूफान छोड़कर जा रहे हैं। इसी तरह जब रिश्ता तय करना होता है ना तो फरीके मीठे मीठे बनकर तरकी बना लेते हैं, मगर इस दौरान भी और बाद में तो अक्सर गीबतों का सिलसिला रहता है। मिसाल के तौर पर कहेंगे बेमुरव्वत लोग हैं, घर आकर दावत देनी चाहिए थी, सिर्फ कहलवा दिया या फोन से ही गुजारा कर लिया बस, सास ने किसी को बुलाने के लिए भी नहीं भेजा। ये जब मंगनी शादी, मंगनी हो गई है ना, अब तो वो तो टूट फूट की बात थी, यहां मंगनी हो गई है, मंगनी हो गई है
और शादी की दावतों के जो सिलसिले होते हैं, मतलब तरकी बंद बनी हुई है, यहां भी कीमत है, टूट फूटी में नहीं है, यहां भी कीमत है। या हमने इनको अपने यहां के लिए ज्यादा आदमियों को साथ लाने की दावत दी थी, मगर उन्होंने हमको बहुत थोड़े आदमियों की दावत दी है। अब उनको अच्छा लगेगा तो खुशी से उछल पड़ेंगे, वो कितनी प्यारी बात की हमारे बारे में, गीबत है। उनको पता चलेगा तो जाहिर है उनको बुरा ही लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। या यूं कहते, मैं दावत में गया तो ससुर ने मुझे ज्यादा लिफ्ट नहीं दी, मुझे ये तक नहीं बोला आओ खाओ। तो भाई क्यों बुलाया था आपको, बुलाया क्यों था, अपनी ज्यारत करवाने के लिए तो नहीं बुलाया था।